हेलो फ्रेंड्स, तो आपने पावर पॉइंट्स देख लिया। तो आप जानते वीडियो है गेम रिव्यू बर्सर्क की और गेम स्टोरी के नाम से काफ़ी अच्छी गेम है ये। और ये आप खेल सकते प्लेस्टेशन 2 और पीसी में एमुलर के जरिए। और इसके अलावा इस गेम के 3 वर्जन हैं, तो सेकंड वर्जन की और थर्ड वर्जन की बात करूँगा जो PS2 और PS3 एंड PC में अवेलेबल है। और ये अलग अलग वर्जन गेम है। तो ये सेकेंड वर्जन गेम जो PS2 में रिलीज़ हुआ था, ये बर्सर्क का काफ़ी अमेजिंग है। आप जानते हैं बर्सर्क के बारे में नहीं जानता बता दूं, ये एक एनिमी फाइटिंग गेम है, शॉर्ट गेम है। और इसके अलावा एडवेंचर स्टोरी मोड है इसमें काफ़ी बढ़िया। वैसे ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं और मांगा के स्पेशल बेस्ट मूवमेंट ही ऐड किए गए हैं। और प्लेस्टेशन 2 की ये बहुत अच्छी गेम है। और ये कह सकता हूँ इसे अपने नज़र के हिसाब से ये गॉड ऑफ वॉर को टक्कर देने वाला है स्टोरी, ग्राफिक्स और गेम प्ले के हिसाब से। लेकिन गॉड ऑफ वॉर गेम में दिखाया जाए गॉड वेपन से यूज़ करता है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इस पर गॉड एक मैन प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर जो कि यूज़ करता है खाली मेन मेड वेपन्स को। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है, एक लॉन्ग शॉर्ट पंजो उसको बताता कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। और इसके अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें भी हैं। गेम के ग्राफिक्स और गेम प्ले के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छा है। और आप नहीं जानते तो ये बहुत फेमस मांगा और एनिमेस मूवीज़ भी बन चुकी है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा। और ये गेम म्यूज़िक सबसे बड़ी बात है, गेम म्यूज़िक आप सुनो तो गेम म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा मनाया है इसमें। पर ये बात तो प्लेस्टेशन 2 की हो गई। अब हम बात करेंगे प्लेस्टेशन 3 की और इसकी मांगा रिलेटेड स्टोरी के हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो फिर मिलते हैं। पर अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, वीडियो भी आगे बढ़ेगा। वीडियो का पार्ट 2 चलता है। और आप आपको कैसा लगा? अच्छा ही लगा होगा। चलो आगे बढ़ा वीडियो भाई। और आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को बता दूँ किस गेम की स्टोरी मांगा रिलेटेड है, तो इसकी वजह से पर इसमें स्टार्टिंग से नहीं है, बीच बीच से। लेकिन आप मांगा के बारे में जानते हैं और मूवीज़ के बारे में भी, तो उस हिसाब से इसमें बेस्ट मोमेंट ही ऐड किए गए हैं इस गेम में, मनाए गए, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें गेम प्ले उसका मैंने बता दिया। प्लेस्टेशन 2 में बर्सर्क एक 90s की मतलब स्टोरी है। और इसका फेमस इतना ज़्यादा है, मतलब ये प्लेस्टेशन 2 में भी आया और इसके अलावा प्लेस्टेशन 3 और PC में भी अवेलेबल है। इसके गेम ग्राफिक काफ़ी अच्छे हैं, हाई लाइक 3D इफेक्ट वाले ग्राफिक्स, कस्टमाइज ऑप्शन और बर्सर्क आर्मर भी है। तो इसमें खाली 1 करेक्टर गेम है एक तरह से, पर इसकी स्टोरी और गेम प्ले भाई मैं कह सकता हूँ एक गॉड ऑफ वॉर से भी आगे की है। पर अब एनिमी स्टोरी के हिसाब से हम थोड़ी बात कर लेते हैं जो मांगा की स्टोरी है। तो अपने कर्जक एक एडवेंचर करता है और एक इंसान को बचाना चाहता है, लास्ट मेंबर ऑफ हॉक को। और इसके बीच इसके लिए कई फाइटिंग होती है, कई जैसे कि जॉर्ड्स की अमेजिंग फाइट जो कि इंक्लूड की गई है गेम में, एक बेस्ट मूवमेंट बेस्ट उसमें काउंटर मूव भी है। पर इसमें स्टोरी वहीं से आगे बढ़ती है, स्पॉइलर नहीं कहना चाहता मैं, पर लेकिन स्टोरी आगे बढ़ती ग्रिफिन से ही, जब वो होपा वापस आ जाता है एक बार फिर। और तो आप जानते हैं ये मांगा स्टोरी के हिसाब से एक तरह से एक गॉड है ग्रिफिन, और ये फिर से रिवाइव होके आता है। और बर्सर्क का रिवेंज अभी पूरा नहीं हुआ, पर बर्सर्क की मेन स्टोरी के हिसाब से मांगा स्टोरी के हिसाब से बर्सर्क जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो इससे बर्सर्क आर्मर की वजह से बहुत दिक्कत आती है, जैसे कि इस ऊपर। लेकिन मेन स्टोरी में यही एक पॉइंटिंग है, इसकी हेल्प के लिए छोटा लड़का आता है और एक्सपीरियंस आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कौन होता है ये। मांगा स्टोरी के हिसाब से ग्रिफनी होता है जो कि एक इसी मांगा में मेन विलन का रोल है और ये पावरफुल एक तरह से, गॉड भी एक तरह से, और पावर सुपीरियर पावरफुल होता है इसमें। पर फिर भी वाई, इसका रीज़न यही है कि वाई क्यों मदद करता है ये मेन स्टोरी में, मतलब स्टोरी मदद करता है तब ग्रिफिथ की भी जब उसे मदद की ज़रूरत होती है, जैसे कि उसके बर्सक आर्मर से उसे बचाने तक का हो या फिर आगे कोई रास्ता दिखाने का एक तरह से। और एंडिंग में यही चीज़ एक है कि मतलब जब रिवील करता है ग्रिफिथ कि वो बॉय असल में ग्रिफिथ है, तो उसमें एक चीज़ ये भी नोटिस करते हैं कि इसकी एक तरह से एक डबल पर्सनैलिटी एक तरह से कह सकते हैं हम इसमें, क्योंकि द बॉय होता तो बहुत अच्छा और जब अपने असली रूप में होता है तो अलग ही होता है थोड़ा। पर यही है कि रीज़न वाई। और आप जानते हैं कि मांगा एक टू स्टिक पॉइंट में एंड हुई थी, मांगा एक तरह से इसका ऑफिशियली एंड नहीं है कोई, जो कह सकते हैं कि ऑफिशियली एंड है कहानी का, ऐसा नहीं हो पाया इसमें। पर अमेजिंग चीज़ मॉल ऑफ विलन्स के हिसाब से कि वह आखिर तक उसने क्यों बचा के रखे अपने टीम मेंबर्स को, सिर्फ 2 मेंबर, और जबकि उनकी हर चीज़ का भी जिम्मेदारी था और उन्हें कर्ज दिया था एक तरह से। और बाकी इसके पास से कई सेना, मोस्टर सेना भी इसकी होती है, तो हम कह सकते हैं भाई भले किसी भी वजह से मांगा या ये एक्सपीरियंस रही हो राइटर ने, क्रिएटर ने, पर ऐसा रियल लाइफ में भी हम देख सकते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि रियल लाइफ में भी जापान में एक लॉन्ग शॉट चलाने वाला समुराई था, जिसे कहते हैं डीमन समुराई कह सकते हैं, कहा जाता है जायंट लोग ज़्यादा समुराई, तो ऐसा भी हो सकता है भाई एक तरह से बर्सक एनिमी का एक्सपीरियंस, मतलब कह सकते हैं जो ये रियल लाइफ में भी इंक्लूड होता है एक तरह से। ये एनिमी मांगा कि जापान में कई लॉन्ग शॉट्स थे और कई लॉन्ग शॉट्स चलाने वाले समुराई होते थे, फॉरियस होते थे, और ये काफ़ी अमेजिंग फैक्ट्स है इसका। और ऐसा हमने अदर गेम्स में भी देखा है जो डिसाइड करते हैं कि अपने हाइट से भी ज़्यादा शॉट को विल्ड करने वाले लोग जो असल में रियल लाइफ से इंस्पायर हो रहे। इंडिया में भी ऐसा है, इंडिया में भी हिस्ट्री में एक लॉन्ग स्वॉर्ड है जो कि एक महाराजा स्वॉर्ड है, और इसका भी यूज़ एक राजा करता था, और स्वॉर्ड असल में भारी होती थी, तो उसी में इंडिया की स्वॉर्ड भी प्राचीन जो बची कुची है उनमें भारी स्वॉर्ड है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं आपको कि टीपू सुल्तान की तलवार भी एक अमेजिंग स्वॉर्ड थी, भले वो भारी नहीं थी, पर कहा जाता है कि उस टाइम के वो किसी भी आर्मर को आसानी से काट सकती थी, तो यह एक अमेजिंग फैक्ट है। तो वीडियो करने का वक्त आ गया एंड, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को और ज़्यादा से शेयर करें। और ये चीज़ भी एक मांगा जैपनीज समुराई वॉरियर्स 2 शॉट भी रखते थे, लॉन्ग शॉट के अलावा उनके पास एक छोटा वेपन होता था क्योंकि लॉन्ग रेंज के अटैक तो आप कर सकते हो पर शॉट के नहीं। और आपको देखा जाए तो एक बर्सक मांगा एनिमी एक ऐसे वॉरियर के बारे में बताता है जो 1 आंख वॉरियर है, यानी 1 आंख वाला वॉरियर जिसके पास 1 ही हाथ है और 1 मैकेनिकल हाथ। पर भले उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, फिर मिलते हैं, बाय बाय। सपोर्ट करते रहिए इस चैनल को।